अभी कुछ ही बात बोले थे, कुछ काम आपका फंसा था, यही कंट्रोलर किया, अभी आप कुछ बोले थे, क्या काम आपका फंसा हुआ था? पीजी में थर्ड सेमेस्टर में पेपर 10 में कॉपी जीरो हो गया था, जीरो नंबर दे दिया। देखिए देखिए, आपको हमारे भैया बताएं क्या होता है। फिर सुनिए, आपको एक कुछ बर्ड बोले थे, कंट्रोलर साहब आए। एक कौन कंट्रोलर, कहाँ से आए हैं आपको पता है? अच्छे गया कॉलेज से आए हैं, हिंदी विभाग के प्रोफेसर। और जैसा कि ये भैया जो है ये पीएचडी स्कॉलर है, और हम बता दें अभी कुछ ही बात बोले थे, कुछ काम आपका फंसा था, यही कंट्रोलर किया, अभी आप कुछ बोले थे, क्या काम आपका फंसा हुआ था? पीजी में थर्ड सेमेस्टर में पेपर 10 में कॉपी जीरो हो गया था, जीरो नंबर दे दिया। देखिए देखिए देखिए, आपको हमारे भैया बताएं क्या होता है। फिर सूझ बताइए। पीजी थर्ड सेमेस्टर में पेपर 10 में मार्क्स मेरा जीरो दे दिया गया था। अच्छे भैया, यही तो यही कंट्रोलर पुनः आए तो हमारा मार्क्स सुधार कर अच्छा मार्किंग से हम पास कर गए। तो ऐसा कि सुन रहे हैं यही कंट्रोलर थे डॉक्टर अनुप कुमार किशोर सिंह, यही कंट्रोलर आदमी है, बहुत बढ़िया। तो ये काम होगा कि नहीं होगा? एकदम जरूर होगा। तो देख सकते हैं ये भैया हैं पीएचडी स्कॉलर, मतलब यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं मैथ ऑनर्स से। ये बता रहे हैं कि इनका जीरो नंबर हो गया था मार्क्स में एमएस पेपर थर्ड सेमेस्टर में, और यही कंट्रोलर थे, इन्हीं का काम पूरी तरह से। और जैसा कि बताया कि बहुत अच्छा कंट्रोलर है, और हमारे ये भैया गए थे कमलेश भैया मिलने के लिए, क्या क्या वार्तालाप हुई हमारे कमलेश भैया बताएंगे आपको। वार्तालाप हुई थी तो हमारे कमलेश भैया आपको सबको बताएंगे क्या बोले हैं और क्या आश्वासन नहीं बोली है एज ए रिजल्ट, ये आपको कमलेश भैया बताएंगे। तो कमलेश भैया आज वहाँ पे वार्तालाप, क्या क्या वार्तालाप हुआ, तो आप तो सुने थे इस कंट्रोलर साहब ने क्या क्या बोले हैं? देखिए, कंट्रोलर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम फुल प्लेजर के साथ आए हैं, और जो भी रिजल्ट लंबित है उन्होंने 26 जनवरी के पहले रिजल्ट प्रकाशन करने का हम लोगों के साथ वादा किया है, और हम लोगों के द्वारा बिंदुवार चर्चा भी किया गया कि सर जो ग्रेजुएशन के छात्र जो सत्र 2017-20 के हैं वे ऑलरेडी उसमें 9,000 से 10,000 विद्यार्थी हैं जो फेल कर चुके हैं। अगर जब तक 18-21 के छात्रों का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का रिजल्ट देकर तुरंत थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तब तक उन लोगों का 6 साल से क्रॉस कर जा रहा है, जो कि UGC के गाइडलाइन के तहत ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 6 साल वैलिडिटी होती है। बाकी ये भी तो हमारे वार्तालाप होते बताए थे कैसे जुड़वाए थे 6 साल, कब कैसे, आप तो वहाँ पर थे, कैसे जुड़वाए थे? 6 ही साल होता है, उन्होंने जुड़वाए होता है तो अगर वे उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने ये भी कहा कि 17-20 वाले छात्रों को जो छात्र 4 या 5 नंबर से फेल हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा देखिए जब तक एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक नहीं करवाई जाएगी हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने स्पेशल एग्ज़ाम पर भी उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि स्पेशल एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जो हम 2018-21 का जो हम लोग रिजल्ट सेकेंड ईयर का जो अभी फंसा हुआ है उस रिजल्ट के बाद तुरंत हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे, उसी में उन लोगों को इंक्लूड कर दिया जाएगा, उन लोग को मौका मिल जाएगा और उन लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। दो से तीन दिन में कुछ नोटिस जारी होगा? देखिए हम लोगों ने फिर उस पर भी बात किया कि सर अभी तो रिजल्ट जब सेकेंड ईयर का आया ही नहीं है तो थर्ड ईयर का आप एग्ज़ाम कैसे ले लीजिएगा तुरंत, तो उन्होंने कहा कि 6 साल वैलिडिटी होता है तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द ही थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ले लें। और हम लोगों ने उनसे सवाल ये भी पूछा कि सर अभी पीजी सेकेंड ईयर 18-20 19-21 पीजी का जो भी सत्र विलंब चल रहा है, जो 18-20 के विद्यार्थी हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरवा लिया गया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं किया गया, तो उन्होंने हम लोगों को कहा कि मैं 2 से 3 दिनों में आप लोगों को एक नोटिस निकालने का काम करूँगा जिसमें एग्ज़ाम संबंधित कुछ बातें होगी। तो अभी तो हम लोग आश्वासन हम लोग को ही दिया गया है तो जब तक कंट्रोलर के द्वारा कुछ लिखित नोटिस नहीं निकाला जाता है तब तक हम लोगों को तो उनके आश्वासन पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो जैसा कि देखा बताए हैं अभी कि 2 से पीजी के लिए 2 से 3 दिन के अंदर नोटिस निकलेगा, तो आश्वासन दिए हैं, देखिए आश्वासन ने कहाँ तक सक्सेस करता है, और जहाँ एक सक्सेस किया तब तो कुछ लगा पॉजिटिव ये कंट्रोलर करेंगे।